मैं आपका दोस्त और आज की शाम का होस्ट अमन मल्होत्रा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ यहां मौजूद हो। May I call upon the area manager of Tata Motors, Mr. Shailendra Thapliyal, to give out a welcome speech. जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब हम भारतीय परंपरा के अनुसार दीपक प्रकाश के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं। I like to welcome onto the stage Mr. Saurabh Garg, CMD, XL Vehicle, Mr. Rakesh Kumar, Regional Sales Manager, Tata Motors, Mr. Shailendra Thapliyal, Area Manager, Tata Motors, Mr. Siraj Khan, CEO, Sangi Group, Mr. Benur T, Regional Service Manager, Tata Motors, Mr. Abhay Mishra, CEO, XL Vehicle, Mr. Ajay Rathod, GM, Sanghi Bhopal, Mr. Sumit Ray, Area Service Manager, Tata Motors. अब देवियों और संजनों, बिना किसी विलंब के हम आपको मार्गदर्शन कराना चाहेंगे कि कैसे टाटा LPO 1515 आपको डबल एडवांटेज देती है, कैसे ये प्रोडक्ट वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए बनाया गया है। भाई क्या कहने, ऐसी लेजर एक्ट मैंने तो कभी नहीं देखी। बहुत बढ़िया थी ये लेजर एक्ट, विश्व प्रसिद्ध लेजर एक्ट सिर्फ आपके लिए। हम लोगों को चाहिए होता है लाइफ में कुछ और, थोड़ा ज्यादा, हमेशा दरकार रहती है भाई थोड़ा ज्यादा मिल जाए। तो इसी सोच के साथ टाटा ने ये बस लॉन्च की है। कोई कसर टाटा मोटर्स ने छोड़ी नहीं है इस बस बनाने में, ताकि आपकी जो भी जरूरत हो आप डबल एडवांटेज के साथ पूरी करें। और अब वक्त आ चुका है मिस्टर राकेश कुमार को स्टेज पर आमंत्रित करने का, जो कि रीजनल सेल्स मैनेजर है टाटा मोटर्स वेस्ट के। कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो मैंने आपको मध्य प्रदेश में चार पंक्तियां सुनाई थी। मध्य प्रदेश जो है भारत का दिल है, पर भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश का दिल है। तो ऐसी नाइंसाफी मैं कैसे कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के बारे में बोलूं और भोपाल के बारे में ना बोलूं। तो भोपाल के बारे में भी चार पंक्तियां मैंने लिखी है। मध्य प्रदेश का दिल है भोपाल, करे भोपाल तरक्की साल दर साल, कर सके ना कोई भोपाल का बांका बाल, भोपाल ही है जवाब चाहे कोई भी हो सवाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अब बुलामा आ चुका है जब हम टाटा LPO 1515 आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पार्किंग एरिया के लिए प्रस्थान कीजिए और साक्षी बनिए।